नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ताल ठोककर में और आपके साथ मैं हूं प्रीति विष्ट। ऐसा क्यों होने लगा है कि चुनाव के दौरान जिन माननीयों की जान जनता में बसती है, चुनाव के बाद वही माननीय उसी जनता पर अत्याचार करने लगते हैं। आजकल तो माननीयों की नजर लगी है जनता की जमीन पर। दरअसल महोबा से बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के पिता हरपाल पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक किसान की 4 बीघा जमीन धोखे से हड़प ली। तो वहीं मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से एसपी विधायक हाजी रिजवान और उनके बेटे पर एक वकील ने 11 एकड़ जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। उम्र का ये पड़ाव और चेहरे पर पड़ी झाइयों से झांकती ये बेबसी यूं ही नहीं बिखरी है शासन के दर पर। हर जगह से अनसुनी के बाद अब अनशन को मजबूर हैं मजलूम। भातीपुरा मोहल्ले के रहने वाले लक्ष्मी प्रसाद की माने तो महोबा से बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के पिता ने धोखे से हड़प ली है 4 बीघा जमीन। इकरारनामा लिखा लिया तो कर हम तुम्हारी पेंसिल बना देंगे, आंखें बनवा देंगे। न तो उसने आंखें बनवाई, जब उसने काम करा लिया और वहीं उसका औंठा लगवा लिया, यहाँ आया नहीं है हमारा ससुर। पिता हरपाल सिंह के गुर्गे इन बुजुर्ग को आंख के इलाज के लिए ले गए थे चित्रकूट। वहीं कुछ कागजातों पर अंगूठा लगवाकर 4 बीघा जमीन का फर्जी इकरारनामा करा लिया और जब इन्हें जमीन पर कब्जे की बात पता चली तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं अनशन के दौरान किसान की बिगड़ गई है हालत, तब जाकर जागी पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। लोगों का कहना है कि जमीन पर कब्जा ये कोई नई बात नहीं है सांसद परिवार के लिए। इसकी बहुत नीयत खराब है सांसद की और सांसद के पिता की, क्योंकि और बगल में जो इन्होंने जो नाला में साठ जिन्हें घूम पर भी कब्जा किया है, यहाँ पर नाले में सब कब्जा किया था जो प्रशासन ने तोड़वाया है। चौरसिया की जमीन में भी इन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ है। ऐसा लगता है जैसे सूबे में कब्जा राज चल रहा है। हालात मुरादाबाद में भी महोबा जैसे ही है। यहाँ कुंदरकी विधानसभा सीट में सपा विधायक हाजी रिजवान पर लगे हैं एक वकील की 11 एकड़ जमीन कब्जाने के आरोप। मेरी जमीन है, माननीय यहाँ विधायक है कुंदरकी हाजी रिजवान, उनके बेटे और वो और उनके बहुत सारे पूरा गैंग मौजूद है उनके पास। जमीन लोगों को कब्जाना उनका काम है, वो जब चाहे किसी की जमीन जोत देते हैं। मेरी जमीन अभी पीछे जोती गई, उसमें FIR दर्ज है उन लोगों के विरुद्ध। वही विधायक हाजी रिजवान का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और वकील दुष्यंत को इस साजिश का मोहरा बनाया गया है। ना मेरा इस मामले से कोई लेना देना, ना मैं दुष्यंत वकील को जानता हूँ, कौन दुष्यंत वकील है, ना मैंने कभी देखा उन्हें आज तक। बिल्कुल 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सिर्फ मुझे बदनाम करने की साजिश है। बहरहाल ये हाल सूबे में माननीयों के सितम का है। वोट के दौरान जनता की चिरौरी करने वाले ये माननीय जीत मिलते ही कैसे जुल्म करते हैं जनता पर। सवाल ये है कि ये कैसा सबका साथ और सबका विकास है। सवाल ये भी है कि आखिर ये कौन सा समाजवाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जी हाँ, सवाल यहाँ किसी एक दल को या किसी एक पार्टी को, किसी एक सत्ता को लेकर नहीं, जबकि सवाल यहाँ पर है सत्ता की उस हनक को लेकर कि आखिर ऐसा क्या होता है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल से हो, लेकिन सत्ता में आने के बाद ही उसको हर चीज अपनाने में कोई गुरेज नहीं होता और उसे लगता है कि जब चाहे वो दबंगई दिखा सकता है, जमीन पर कब्जा कर सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से मौजूद है सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता है कांग्रेस के, साथ में विजय बहादुर पाठक जी जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वरिष्ठ पत्रकार मुदित माथुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी से भी कोई ना कोई जुड़े हमारे साथ जो अपना पक्ष रखे। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। तो सुरेंद्र जी, आपके पास ही आना चाहूंगी, अगर अभी एसपी वाले आपके बगल में होते तो शायद ही कहते चलिए आज आपने किसी और पर भी निशाना साधा है, क्योंकि उनकी शिकायत रहती है कि एसपी को ही निशाना बनाया जाता है यहां पर। क्योंकि खबर जो आ रही है अब बीजेपी के सांसद का नाम, उनके पिता का नाम यहां पर आ रहा है, एसपी का तो आपने देखा ही, क्या कहेंगे? असल बात ये सत्ता के चरित्र का नाम आ रहा है प्रीति। आप यहाँ पर देखें कि 2014 में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती और उनके ही एक सांसद के ऊपर, मिस्टर चंदेल के ऊपर, जिस प्रकार से कि जैसा आप लोगों ने कहा, बड़ी बढ़िया बात आप लोगों ने कही है, साधुवाद के पात्र हैं आप, कि चुनाव से पहले जनता पर नजर
और चुनाव के बाद जनता की जमीन पर नजर, ये अपने आप में एक सच हो गया है। और यहां पर जिस तरीके से सांसद परिवार ने वहां पर चित्रकूट ले जाकर के, या जो जैसा आपने बताया अभी कि भाई वो उनकी आंखों के इलाज के बहाने उनकी 4 एकड़ जमीन को जोतने का काम किया, इकरारनामा लिखाने का काम किया, अब यहां पर सबके साथ और सबके विकास वाली पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय जो प्रधानमंत्री पद है पर सुशोभित श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये अपने एमपी पर कैसे अंकुश लगाए, ये देखने वाली बात है। और दूसरी तरफ सत्ता का एक विद्रुप चेहरा प्रदेश में तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर वो हाजी साहब कह रहे हैं कि नहीं साहब मैंने नहीं आरोप, मेरे पास जमीन नहीं है, तो हाजी साहब को चाहिए, चूंकि उनके क्षेत्र के मामला है, उस क्षेत्र के वो विधायक है, अगर कुछ ना करें तो कम से कम उस पीड़ित वकील की मदद करें, अगर उनका मामला नहीं है तो। जिन्होंने जिन दबंगों ने भी उस पीड़ित वकील की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, ये तो उस विधायक की जिम्मेवारी है कि उसके अपने क्षेत्र पर वो मदद करें। और दूसरी तरफ अगर जैसे चंदेल, जो प्रदीप चंदेल जी है, अगर उनका मामला नहीं है तो आकर आप लोगों के सामने आवे और कहे कि ऐसा ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर खामखा में विजय बहादुर पाठक जी को क्यों फंसाते हैं? पाठक जी, जो कुछ यहाँ पर घटना सामने आ रही है, क्या रुख बीजेपी का है इस पर? प्रदीप जी, सुरेंद्र जी ने बातों को ठीक ढंग से रखा और स्वाभाविक रूप से जहां पर भी जमीन के अवैध कब्जे हो रहे हैं वो जो लोग भी हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। और अगर पुष्पेन चंदेल के परिवार पर वहां के लोग यह आरोप लगाते हैं कि फर्जी तरीके से बैनामा हुआ और इकरारनामा कराया गया, तो अगर यह फर्जी कराया गया तो स्वाभाविक रूप से कुछ अधिकारियों की संलिप्तता रही होगी। जिन अधिकारियों की संलिप्तता हुई उन पर राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मुरादाबाद के प्रकरण पर भी यही बात मेरा कहना है। राज्य की कानून व्यवस्था ठीक हो और राज्य में फर्जीवाड़ा न हो, इसकी जिनकी जिम्मेदारी है उनको यह काम करना चाहिए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक कटघरे में राजनीतिक दल को खड़ा किया जाता है। और पुष्पेन चंदेल का सवाल है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उनके परिजनों पर उनके लोग आरोप, दूसरे लोग आरोप लगा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मुझसे सवाल होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राज्य में यदि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और न्याय कैसे मिले? अब तो यानी कि यहाँ पर पाठक साहब, जो मामला अभी आया है, अगर हम बात करें जो समाजवादी पार्टी के विधायक, इससे पहले पंडित सिंह पर भी जो मामला आया था, तो यहाँ पर भी आप ये कहेंगे कि सरकार का दोष नहीं है, वो कार्रवाई करे? नहीं प्रीति जी, मेरा हमने सरकार मेरा ये कहना है कि जो कुछ घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं पर कार्रवाई करने की जिसकी जिम्मेदारी है उसको कार्रवाई करनी चाहिए। तो बीजेपी क्या करेगी? चंदेल के परिजन इसमें इन्वॉल्व है और तो उन पर सरकार कार्रवाई करे और बीजेपी क्या करेगी? तो बात हो, लेकिन पार्टी क्या करेगी? केवल राजनीतिक आरोप से साहब क्या हुआ, सबका साथ सबका विकास की बात, तो ये बात तो उचित नहीं है। नहीं तो अगर नहीं है, दूसरी बात यह की आज आपने दिखाया तो उनके परिवार के परिजनों का कोई पक्ष दिखा नहीं। और यहाँ बीमार है ना, बोल रहे हैं, मुझे आपने बताया कि किस मुद्दे पर बहस है, वरना मैं उनके परिवार के या उनके। अच्छा ठीक है, तो अब ये खबर दिखा रहे हैं, ये बुजुर्ग को आप देख रहे होंगे पाठक जी कि किस हाल पे वो पहुंच गए हैं। 4 बीघा जमीन, वही रोजी रोटी का जरिया है इनका। तो यहाँ पर बीजेपी 4 दिनों से ये घटना चल रही है, वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है? और ये भी ताज्जुब की बात है ना पाठक जी, पाठक जी क्या ये ठीक है? तो पाठक जी, एक वरिष्ठ नेता हैं आप बीजेपी के, तो क्या ये भी एक आश्चर्य की बात नहीं कि आपका एक सांसद यहाँ क्या कर रहा है और आपको पता ही नहीं है? ये भी एक आश्चर्य की बात नहीं है? नहीं, मैंने कहा कि इस पूरे प्रकरण पर तो आपको भी जानकारी होनी चाहिए थी ना, प्रशासन को तो होगी। आपका आपके यहाँ प्रोग्राम था तो जो लोग मुझे लाइनअप किए उनको बताना चाहिए कि विषय पर पाठक जी, लेकिन आपको पता होनी चाहिए थी ना। अब हर बात मीडिया से पता चलेगी आपका सांसद क्या कर रहा है और ये आपकी खबर नहीं है। जहाँ भी कानून टूट रहा है कानून की के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति संबंधित हो, समाजवादी पार्टी समाजवादी की बात आती है पाठक जी। अच्छा सुनिए पाठक जी, समाजवादी पार्टी की बात आती है, राज्य सरकार की बात आती है, तो आप सीधे सीधे मुख्यमंत्री को घेर लेते हैं, मुलायम सिंह यादव को घेर लेते हैं, यहाँ आपको क्यों नहीं घेरे? हम आपको क्यों नहीं पता है कि आपका सांसद क्या कर रहा है? हमने तो आपको सबके लिए एक समान बात है ना, मना नहीं किया। और मैं जो आप मुझसे सवाल करेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा। मैंने ये कहा कि अगर यह बात मुझे जानकारी होती तो मैं उसमें और तथ्य जानकारी करके आता। और मैं आपके इस चैनल पर यह हर्ष ये बात कह रहा हूँ कि जहाँ भी कानून टूट रहा है
वहां पर कानून के रक्षा की जिस पर जिम्मेदारी है, चाहे कोई व्यक्ति हो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं इस बात से असहमत हूँ तो आप बताइए, और अगर आप असहमत हो तो आप बता दें। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सवाल ये है ना, आपको पता क्यों नहीं है? और बीजेपी क्या अपने स्तर पर कह रही है? पता होना चाहिए ना, हमारे सांसद जो अभी काफी अच्छी संख्या में जीत कर आए हैं, तो आपको तो नजर रखनी होगी। और ज्यादा पाठक जी, अभी चुनाव लड़ने हैं कि किस तरह का चरित्र लोग दिखा रहे, तो ज्यादा आपको सतर्क नहीं होना चाहिए यहाँ पर? मैंने ये कहा कि अगर आप ये पहले बताती तो मैं और जानकारी करती। ठीक है, चलिए। हमारे साथ संजीव विश्वास जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है। संजीव जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका ताल ठोकर में। हर बार मुद्दा ऐसा आ जाता है, और यहाँ पर इस बार आप थोड़ी राहत ही महसूस कर सकते हैं कि बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए भी आपको एक मुद्दा मिला है, क्या कहेंगे? राहत की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र रहा है इस तरीके का। ठीक है, और एसपी का? सांसदों की भारतीय जनता पार्टी कोई भी विकास का काम उत्तर प्रदेश में नहीं कर रही है, और जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विकास का काम कर रहे हैं तो ये लोग केवल अड़ंगेबाजी और आरोप लगाने का लगभग इनके पास कोई काम नहीं। और आपके विधायक क्या कर रहे हैं? बहुत साफ सी बात मैं कहना चाहता हूँ, विधायक जी का आपके पास वर्जन आ चुका है कि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। और समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से ये लोग आरोप लगाते रहते हैं, जितने भी विपक्षी दल हैं, इनका एकमात्र काम ये है कि समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाना, क्योंकि विकास के रास्ते में ये लोग बहुत पीछे चले गए। और पंडित सिंह मामले में क्या हुआ संजीव जी, क्या कोई कार्रवाई हुई है? शायद हम तक जानकारी ना पहुंची हो। जी जी, 17 जिस तरीके का विकास के मुद्दे पर चुनाव होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दे तो बहुत अभी और भी निकलेंगे, विकास का मुद्दा रहता कहाँ है संजीव जी, वो तो अलग हट जाएगा। ठीक है संजीव जी, ये बताएं क्या पंडित सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हम तक? हो सकता है जानकारी ना पहुंची हो, कोई कार्रवाई कर चुके हो मुख्यमंत्री? नहीं, उनके ऊपर जिस तरीके का आरोप लगा था, किस मुद्दे की बात कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं चैनल पे इस समय नहीं हूँ आपसे। तो मैं ये नहीं समझ रहा हूँ, गोंडा में जो गोंडा में ठीक है, ग्राम समाज की जमीन थी, उसे हथियाया है वहाँ पर पंडित सिंह ने, गौशाला की जमीन पर, और आप ही ने कहा था कि मैं कार्रवाई करा करके बताऊंगा। संजीव जी ठीक, मेरे ख्याल से उस पर क्या कार्रवाई हुई मैं अपना जांच करके, मैं पूछ करके। संजीव जी ये देखिए ना, आप से वादा हम हर बार लेते हैं और आप बातें बड़ी करके चले आते हैं, उसके बाद आप भी जानकारी नहीं लेते हैं, फिर आप आज फिर बात करके चले आएंगे, क्या फायदा होगा बताइए? मैं तो प्रीति जी, सारी जितनी भी बातें आपकी होती हैं, आपके यहाँ पर चैनल पे बैठ करके तय हुआ था कि लोहिया अस्पताल के जिस डॉक्टर की वजह से एक नौजवान की मृत्यु हो गई है, ठीक है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 4 बजे ही मैंने उस पर कार्रवाई हो गई, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं आप कहिए कि कोई कार्रवाई नहीं होती, तमाम तरीके की चीजों पर तमाम तरीके की कार्रवाई होती है। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बैठे हुए हैं, अब ये कहते हैं कि साहब इनके यहाँ जो साध्वी हैं या जो लोग हैं वो किस तरीके का बयान देते हैं? नहीं, बयान तो आपकी पार्टी से खूब आते हैं संजीव जी, खुद आपकी पार्टी का बयान देते हैं। अभी बयानों को छोड़ दें, क्योंकि हर पार्टी के खाते में बयान है। नहीं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी, बयान तो हर पार्टी के खाते में है संजीव जी, जिनसे विवाद पैदा होता है, इसलिए वो फिर इसको अभी हम छोड़ देते हैं। मुदित जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। तो मुदित जी, यहाँ पर क्यों ऐसा चरित्र हो जाता है राजनेताओं का, जो एक बात कोटी सुरेंद्र राजपूत ने जी भी यहाँ पर, सुरेंद्र जी लेकिन कांग्रेस भी नहीं बच सकती है जमीन कब्जाने की अगर बात करें, हर पार्टी पर ऐसे आरोप लगते हैं, तो मुदित जी किस तरह का ये चरित्र बन जाता है और किस तरह की ये एक मानसिकता बन जाती है कि कोई भी जमीन है आप हड़प लो, कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सत्ता कल मिले ना मिले जमीन तो अपनी हो जाए? नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये सभी जो है वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे लगते हैं, और चाहे जो भी पावर में आ गया वो इस प्रकार के अगर घृणित कामों में लिप्त होता है तो ये पब्लिक लाइफ में बहुत ही कष्टकारी चीज है, और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और जहां तक सवाल है इसका, जो दो आपने घटनाएं दिखाई हैं, दोनों में ही प्रशासन की निष्क्रियता सामने आई है, चाहे वो पहले वाला गोंडा का मामला रहा हो या आज ये जो दो मामले आपने दिखाए, जिनके ऊपर इस लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है, जाहिर सी बात है वो राज्य सरकार पर ही होती है, तो उसकी तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी शिकायतें आने पर वो नहीं हो रही है। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखते हैं तो एक तरह से पूरा मशीनरी जो है जिस वो उसका फेल्योर है ये, और आप तो ये दिखा रहे हैं उस गरीब आदमी की तो मुझे लगता है FIR तक इस प्रदेश में दर्ज नहीं हुई होगी।
ठीक है, उसमें कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर सवाल यही है। और अगर हम ये दूसरी खबर की हम बात करें मुरादाबाद वाली, तो उसमें तो जब विधायक और उनके बेटे का नाम हटाया गया, उसके बाद अब जाकर एफआईआर दर्ज हुई मदित जी वहां भी। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, सही एफआईआर तो दर्ज ही नहीं हो सकती ना। सुरेन जी तो, हाँ हाँ बिल्कुल, इस तरह के कई और अनुभव रहे हैं। आप ये देखिए कि एक जर्नलिस्ट को जो है वो शाहजहांपुर में जिंदा जला दिया गया, और 1 जून की घटना है, उसकी एफआईआर तब हो रही है जब यहाँ मुख्यमंत्री उसकी डेथ हो गई 9 दिन के बाद, उसके परिवार की एफआईआर वो भी तब लिखी गई जब उन्होंने कहा हम इसका दाह संस्कार नहीं करेंगे और उस पर अनशन पे बैठ गए। तो ये एक बड़ा दुखद स्थिति है कि कानून के हिसाब से जो सरकार चलनी चाहिए, जो सरकार की कार्रवाइयां होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। हाँ संजीव जी, यहाँ पर बात यही होती है कि प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता है। कुछ घटनाएं आपको गिनाती हूँ। गायत्री प्रजापति, जिन पर अमेठी में सरकारी जमीन हड़पने का आरोप लगा, और पंडित सिंह पर इससे पहले भी जमीन हड़पने का इस तरह आरोप लगा, वहां प्रशासन कोई मुकदमा तक दर्ज नहीं करा पाया। जो पीड़ित पक्ष था वो पहले कोर्ट गया, अदालत से ऑर्डर लेकर आया, उसके बाद प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया। तो यहाँ पर जब प्रशासन ही इस तरह से इनके साथ मिला हुआ है, या कहें कि डरा हुआ है अपने विधायकों से, अपने नेताओं से, तो फिर यहाँ पर तो जिम्मेदारी आपकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रशासन के हाथ ऐसे बांध दिए, कार्रवाई नहीं कर सकता है, कोर्ट का यहाँ पर बार बार जाके दरवाजा खटखटाना पड़ता है। नहीं प्रीति जी, बहुत साफ सी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट आदेश और निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी के दबाव में न काम करे। तो मुख्यमंत्री जी के पास जो भी घटनाएं आती हैं उन पर बहुत सुरक्षित और तुरंत कार्रवाई की जाती है। ये कहना कि खाली उत्तर प्रदेश के सरकार का इसमें दोष है, ये ठीक नहीं है। बहुत जगह ऐसा होता है जनपदों में प्रशासनिक अधिकारी हाँ किसी दबाव में आ जाते होंगे कि ये चुने हुए विधायक हैं या चुने हुए माननीय, तो यहाँ नहीं आते क्या दबाव में। तो ऐसी स्थिति में जब समाजवादी पार्टी के पास या उत्तर प्रदेश के शासन के पास इस तरीके की घटना जरा सी भी आती है तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री इस पर बहुत सख्त कदम उठाते हैं। ठीक है, और उनकी और माननीय मुदित माथुर जी हमारे बहुत सीनियर पत्रकार हैं, और जब ये कह रहे थे तो जिला प्रशासन में अगर कोई अधिकारी की जरा सी थोड़ी बहुत भी लापरवाही होती है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश अधिकारी पे तो होती है लेकिन अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पाता ना। संजीव जी, सवाल ये है, अधिकारी पर तो आप कर देंगे, आपके अजीमुल हक साहब जो विधायक है वो भी बता चुके हैं कि कहां पे अधिकारियों की स्थिति को रखते हैं, लेकिन अधिकारी नहीं कर पाता है कार्रवाई। यहाँ पर अधिकारियों के अधिकार की बात हो रही है। बिल्कुल सही बात, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने बार बार ये बात कही है और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को दबाव में न आने की हर स्तर से बात होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी केवल समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर मेहरबान है। तबादले ट्रांसफर यूं ही हो जाया करते हैं, तबादले ट्रांसफर यूं ही हो जाया करते हैं संजीव जी। ठीक है, इस वक्त ठीक है, तबादले जो ट्रांसफर होते हैं ना वो क्या बताते हैं, क्या संदेश देते हैं कि अधिकारियों के क्यों तबादले, क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, जो अधिकारी काम नहीं कर रहा होगा या कहीं उसकी लचर प्रणाली होगी, यही है ना। समाजवादी पार्टी में आते थे, निष्क्रिय क्यों जाते हैं अधिकारी, क्योंकि तबादले करने पड़ रहे हैं आपको, ये बड़ा सवाल। ठीक है संजीव जी, जो महोबा की घटना है, नई बात नहीं है, हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए बहुत, लॉ एंड ऑर्डर नई बात नहीं है। ठीक है, आपने जनता ने हमको चुन करके, बिल्कुल यही तो जिम्मेदारी आपकी है ना, आप समझ नहीं रहे हैं। अभी फिर 2017 आने वाला, फिर चुनेंगे जनता। ठीक है ठीक है संजीव जी, महोबा के आपने जो खबर की बात की, आपने कहा कि बहुत ज्यादा उसमें जो भी बातें सामने आ रही, तो इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मी जी हैं जो पीड़ित हैं यहाँ पर, तो वो अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। क्या कुछ हुआ लक्ष्मी प्रसाद जी आपके साथ? जी सर, पाठक जी सुनिएगा। रात 20 तारीख को हम 10 बजे जो है अनशन में बैठे थे, 14 तारीख के बराबर अनशन चला था। ठीक है, तो आवाज ये वापस आ रही है, तो आवाज वापस सही करिए। लक्ष्मी प्रसाद जी, किसने हड़पी है आपकी जमीन और क्या वहाँ हो रही है? हाँ, थोड़ी आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, आप नाम बताएंगे किसने जमीन हड़पी है और किस तरह से आपके साथ अन्याय हो रहा है? सर, भाजपा के सांसद के पिता हरपाल सिंह जो है, ठीक है, हमारे पूरे पिता प्रतापगढ़ के हमारे घर से जो है और वहाँ हरपाल सिंह ने पूरी जमीन लिखवा दी है, तो क्या भी नहीं दिया गया। और हमारे पिता 85 वर्ष का है, न आंखों से दिखाई देता है ठीक है। हाँ लक्ष्मी प्रसाद जी, ठीक है, आपकी बात सुन ली। ये बताइए, आप पुलिस के पास गए, कब से ये पूरा मामला चल रहा था, कितना वक्त हो गया है जमीन हड़पने की जो जालसाजी आपके साथ की है, और पुलिस ने क्या कहा आपसे? मैं जब
पता चला तो मैं सारे अधिकारियों कहाँ गया, वो एक महीने करीब अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाता रहा। ठीक है, महीना भर हो गया यानी इस घटना को। ठीक है पाठक जी, सुन लीजिए। तो जब नहीं हुआ तो मैं 4 तारीख को अमरावंशन पर बैठ गया था। तो रात को घटना 20 तारीख को ये हुई कि करमवीर जो है सदर तहसीलदार पुलिस बल लेकर के रात में आ गया और जिसके जिनके पास वो घूमते थे, ठीक, इन्होंने धक्का मार मार के जबरदस्ती मार कूट की और कहे की तुम उसके खिलाफ ठीक है। लक्ष्मी प्रसाद जी, आपने कहा कि एक महीने का वक्त हो गया है, धन्यवाद आपका, क्योंकि वरिष्ठ नेता बैठे हैं बीजेपी के, उनसे हम बातचीत करते हैं। पाठक जी, एक महीने का वक्त यहाँ पर लगभग हो चुका है और उसके बाद अब जबकि परिवार अनशन पर बैठा तो खबर निकलकर बाहर आई, क्या यहाँ पर जनता के बीच ये संदेश नहीं जाएगा, जबकि राज्य में सत्ता भी नहीं है, आपके एक सांसद है वो अगर अभी से ऐसी दबंगई दिखाने लगा, नहीं सुनिए पहले ना, दबंगई दिखाने लगा तो फिर क्या फर्क रह गया यहाँ पर, जो आरोप आप एसपी पर लगातार लगाते हैं। नहीं, मैंने लक्ष्मी प्रसाद की बात सुनी और उन्होंने कहा कि उनके पिता को पुष्पेन चंदेल के पिताजी ले गए और उनसे उन्होंने कोई इकरारनामा या करारनामा करा लिया। स्वाभाविक रूप से मैं जब आपने बहस शुरू की तब भी मैंने कहा कि जो कानून की सुसंगत धाराएं हैं उन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इस पूरे प्रकरण की जांच की जानी चाहिए और कहीं से भी यदि सांसद का प्रभाव और उस प्रभाव के कारण उनकी यदि संलिप्तता है तो कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात से कोई इनकार नहीं है। मैंने केवल आपको ये कहा था कि अगर मुझे यह जानकारी होती कि इस विषय पर चर्चा है तो हो सकता है मैं पुष्पेन चंदेल उनके पिताजी लोगों से बात करके उनका पक्ष भी रख पाता। ठीक है, मैंने ये बात कही, मैंने बहुत अच्छी बात है, कानून की जो धाराएं हैं उन कानून की धाराओं पर कार्रवाई का पक्षधर हूँ, वो किसी भी तरह का कोई जनप्रतिनिधि हो, जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास एक पक्ष है, दूसरे पक्ष की जानकारी भी होती तो हो सकता है कि उस पिता ने, इनके पिता ने रजामंदी से ये काम किया हो, क्योंकि परिवार अपनी रोजी रोटी क्यों। पाठक जी, अब ये ऐसा बयान मत दीजिए, देखिए ना एक बुजुर्ग किस तरह से लेते हैं। प्रीति जी, मैंने ये कहा कि दोनों परिस्थितियां हैं, जब तक उस पक्ष की उस जानकारी पर ना हो तब तक उस बात नहीं होनी चाहिए। सैद्धांतिक रूप से जो बात है उस बात में मैं ये प्रारंभ में भी कहा और अब आज भी इस बात कह रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी कानून टूट रहा है कोई इस तरह की बात है तो कानून की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो इस पक्ष के पक्ष में हैं। सुरेन जी, यहाँ पर क्योंकि जो भी इस तरह के मामले सामने आते हैं अक्सर वो सत्तारूढ़ दल से जुड़े होते हैं और वहां पर यही कहा जाता है कि दबंगई दिखा रहे, कार्रवाई नहीं हो रही है, और अगर अब बीजेपी के सांसद भी इस तरह के दूसरे दल के लोग भी कार्रवाई करें तो यहाँ पर किसको दोषी ठहराएं। हालांकि कल जो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सामने आई थी, एक नई बात कहकर चली गई कि यहाँ पर जो कांग्रेस, जो बीजेपी है और समाजवादी पार्टी है, एक दूसरे को खुली छूट दे रखी है कि आपको जो करना है करिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, जब से मुलायम सिंह जी बैड लॉ एंड ऑर्डर की जगह पर लोकतंत्र के रक्षक हुए हैं, प्रधानमंत्री जी पंजाब से आकर के सरसावे में उनको एक सर्टिफिकेट दे गए थे, उस दिन के बाद ये सब दोनों लोग छोटे भाई बड़े भाई हो गए हैं। अब यहाँ पर शासन और प्रशासन में और दिल्ली के शासन और प्रशासन में खुली मिली भगत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और इसका असर यहाँ से लेकर के बिहार तक जाता है। तो इनके सांसदों को, इनके सांसद प्रतिनिधियों को, सांसद के पिताओं को एक आदमी 4 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रहा है और दूसरा आदमी जो है क्या नाम इनका विधायक समाजवादी पार्टी का 11 एकड़ पर कर रहा है, तो होड़ लगी हुई है और यहाँ पर एक दूसरे के ये मिली भगत से सब लोग काम कर रहे हैं यहां से लेकर के, और लोकतंत्र को कमजोर करने का जो क्या नाम बिहार में काम कर रहे हैं वहां तक ये लोग बिल्कुल पूरी तरीके से पीठ से मिले हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सच तो ये है, कानून सम्मत अगर एक कार्रवाई हो जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व्हाट्सएप पर तो 1-2 करोड़ रुपए पकड़वा देते हैं, ठीक है, वो आप देखिए व्हाट्सएप से और तमाम घटनाओं को पकड़वा देते हैं, लेकिन अपने प्रशासन के पेच नहीं कसते हैं कि भाई मेरे पास व्हाट्सएप क्यों आते हैं, व्हाट्सएप तो जिले के अधिकारियों के पास आने चाहिए, एसओ के पास आने चाहिए, सीओ के पास आने चाहिए, 22 करोड़ के व्हाट्सएप थोड़ी आएंगे। संजीव जी, सवाल बड़ा यही है कि क्या प्रशासनिक अमले को इतना पंगु बना दिया गया है या फिर प्रशासनिक अमला खुद इतना निकम्मा यहाँ पर हो गया है कि जनता भी वहां पर जाने से डरती है, उसको लगता नहीं कि कोई कार्रवाई यहाँ पर होगी? देखिए प्रीति जी, बड़ी अलग बात मुझे तो लग रही है। एक तरफ जब कहीं कोई ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं तो भी आपत्ति,
दूसरी तरफ अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी के व्हाट्सएप पे कोई घटना आई और उन्होंने उस पर कार्रवाई करा दी तो भी इनको आपत्ति, तो भी ये कमेंट करने से बाद नहीं आ रहे। नहीं नहीं, हमें आपत्ति नहीं है संजय जी, हम तो स्वागत कर रहे हैं इसका, लेकिन 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 पूरे प्रदेश से कितने व्हाट्सएप आए हैं, 22 करोड़ व्हाट्सएप मुख्यमंत्री काम में लगे हुए हैं, बाकी इनके पास और कोई काम नहीं है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है जी भाई को, तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज जांच की बात कही। हाँ, तो ये आप ही कहते थे किसी भी मुद्दे पर जांच की बात करते थे और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही कोई निर्णय की बात करते थे तो इनको बड़ी आपत्ति होती थी। आज उन्होंने जब अपने सांसद की बात आई तो उन्होंने जांच की बात कहकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, संजीव जी आप बताइए। ठीक है संजीव जी, नगर में कार्रवाई की बात करिए। संजीव जी बीजेपी कार्रवाई की बात करिए। ठीक है ठीक है, जब कार्रवाई होती उससे पहले आप उनको एसपीजी की सुरक्षा दे रहे थे मान्य कार्रवाई करिए करिए ना संजीव जी। ठीक है, संजीव जी आप कहना चाहता हूँ ठीक है, उत्तर प्रदेश में गुंडई तो नहीं किसी की चलने दी जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर को अरे चल तो रही है संजीव जी, संजीव जी अच्छी लग रही है ना, ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है संजीव जी, ये बताइए जो ये मामले हैं जो अभी लक्ष्मी प्रसाद जी जुड़े थे चंदेल जी के पिता पर जो आरोप लगा रहे हैं, किस तरह से कार्रवाई आप करेंगे, कृपा करके हम चाहेंगे कि जो कार्रवाई होती है उसकी जानकारी भी रखें आप, तो किस तरह की कार्रवाई इन मामलों में होगी? देखिए इनमें जांच होगी और जांच में जो भी कार्रवाई हो सकती होगी, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इस बात का मैं विश्वास आपके चैनल पर दिला। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी, विजय जी आपका भी, सुरेंद्र जी और साथ में मुदित माथुर जी वरिष्ठ पत्रकार थे जो बता रहे थे कि वाकई में ये सत्ता का चरित्र है। दरअसल किसी एक दल की ये खामी नहीं है कि जो सत्ता में आता है उसे इस तरह का एक तरह से कह सकते छूट मिल जाती है, उसे लगता है कि वो जब चाहे जहां चाहे जमीनों पर कब्जा कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, शुक्रिया।